दिस इज़ द लो बीम एंड ये हाई बीम। नेविगेशन के लिए मोड बटन दिया है, एम दे रखा है, बैकलिट डिस्प्ले के साथ है, इंडिकेटर्स क्वालिटी ग्रेट। ये देखो भाई, तो 9000 गया है आरपीएम का लिमिटर। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भी कमेंट में लिख दो ऐसी जय श्री राम। यस, ब्रेकिंग भी बढ़िया है एकदम। गाइस मैं आपको इसकी नाइट में हेडलाइट की इंटेंसिटी दिखाऊं तो आप सामने देख सकते हो बिल्कुल कितनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। मतलब हेडलाइट की आप थ्रो देखिए, आप बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए सामने। इस तो गाड़ी में मुझे कोई कमी नहीं लगी और अभी 54 का माइलेज आप देखो दे रही है गाड़ी। गाइस फाइनली वो समय आ गया जब मैं पल्सर N150 का रिव्यू करने जा रहा हूँ और आपके सामने ये देखो बाइक कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। अभी इसके स्पेक्स, डिटेल, परफॉर्मेंस, कैसा इंजन साउंड है, कैसे ब्रेकिंग है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी का गाड़ी देखो न्यू ब्रांड है और इसके अंदर अभी पूरा ये क्लस्टर है जो इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर चेंज हो गया है कि अगर मैं ऑन करूँ बिल्कुल डिजिटल है। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई विद ऐप के साथ। ब्लूटूथ कब काम करेगा, जब आपका ये रजिस्टर्ड होगा बाइक, आरसी आपके पास आ जाएगी, उसके बाद ये वर्क करेगा, ठीक है। और भाई निकल चुका हूँ मैं गाड़ी लेकर के फाइनली। और देखो सबसे पहले बता दूँ आपको टाइम, या टाइम देखो 5:46। और देखो थर्ड गियर लग गया है गाड़ी में ओनली 21 एंड फोर्थ गियर भी मैंने लगा दिया है। और रिफाइनमेंट आप देखो, मैंने गियर शिफ्ट कर दिया एंड मैंने फिफ्थ गियर भी लगा दिया 27 की स्पीड में, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आ रहा है। सामने से पूरा व्यू आप लोग देख सकते हो गाड़ी का ओवरऑल। और मिरर की क्वालिटी अगर हम देखें तो भाई डिसेंट सी है, मतलब पीछे तक का आपको दिख सकता है इसमें बहुत अच्छे से। ये देखो आपको पीछे का विज़न भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। होप कि यार सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसकी बताऊंगा, थोड़ा सा मैं जो बात कर रहा हूँ अभी इसकी राइड क्वालिटी के बारे में कर रहा हूँ। जैसे कि आप बम्पर टू बम्पर हैवी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, या जैसे मान लो कहीं आप हैवी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं, या आप नॉर्मली सिटी में चला रहे हैं, तो जो मेनली कंसर्न होता है कि यार जो गियर होते हैं बहुत दिक्कत देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सही है ये। और इसमें USB का चार्जर भी है यहाँ पर, तो अभी आपको दिखाऊंगा ये भी मैं ओपन करके। और मैं विद पिलियन हूँ अभी। ये गाड़ियाँ मोस्टली कम्यूटेड बाइक होती हैं, तो इस पर यार आप लोग ज़्यादातर सिटी विटी में ही चलाते हो, इतना हाईवे पे नहीं यूज़ करते हो। तो मेरा जो पर्पस था यार मैन वही था कि सिटी में मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ अच्छे से कि भाई कैसा परफॉर्म कर रही हैं गाड़ियाँ। तो पिकअप वगैरह तो यार बहुत सही है, देखो तो काफ़ी सही है, बढ़िया है एकदम। अब मैं थोड़ा सा इसको हाईवे पर चेक करूंगा कि कितनी स्पीड तक ये जा पा रही है। अभी ABS वगैरह इसका शायद चालू है कि नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता। हाँ ABS चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब ज़रा मैं इसको खींच के देखता हूँ कि लिमिटर्स वगैरह कितने जाते हैं इसके। भाई गाड़ी एक नंबर है, बिल्कुल रिफाइनमेंट में कोई कमी नहीं है भाई, एक नंबर स्मूथ चल रही है, पता भी नहीं लग रहा भाई गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई, तो 9000 गया है आरपीएम का लिमिटर एंड सीधे 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 तो आप लोग देख सकते हो भाई 9000 के आसपास जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई नहीं करना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। और अगर मैन्यूवर करने में बात करें तो भाई एक नंबर चल रही है गाड़ी में, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। मेरे साथ पिलियन भी है, उसके बाद में भी गाड़ी एक नंबर परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखें इसको 100 की स्पीड में टच कराने के लिए, वैसे तो भाई नहीं हो पाएगी यहाँ पर, बट 80 की स्पीड में भी ये बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। लिटरली आपसे सही बोल रहा हूँ भाई, 70 की स्पीड में आपको कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है भाई? सही बता रहा हूँ, 150 के अंदर में दिल आ गया। हाँ मतलब कि ये जो गाड़ी है भाई, दिल जीत लिया इतना ही बोलूँगा भाई, यकीन मानना गाइस। मुझे इस चीज़ की उम्मीद कतई नहीं थी कि यार ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी बाइकें। मैं आपको इसका एक बारी भाई एग्जॉस्ट नोट सुनाऊं, तो इसमें देखो एक चीज़ अच्छी है कि आपको इसमें दोनों स्टैंड आते हैं। और अगर इसका ग्रेप रेल देखो तो यूज़ वाला है भाई, यूज़ है बहुत अच्छा। इंडिकेटर्स के साथ में इसमें एक चीज़ बढ़िया दी है भाई, ये चीज़, ये टेक्स्चर बहुत अच्छा लुक दे रहा है। साथ में इसमें डबल मड गार्ड बोल सकते हो आप, मड फ्लैप बोल सकते हो, क्रेमिका के ब्रेक सेटअप के साथ में आती है। क्रेमिका भी इनका काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और अगर स्टार्ट करूँ मतलब कि, तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है पटाखे मारने के बाद सी दिस, तो ये इसका प्योर साउंड है। और जो आपका रेंज है तकरीबन 9500 RPM करेगा।
तो भाई ये बढ़िया चीज़ है। अभी वैसे तो ये गाड़ियाँ यार मैं आपको सही रिकमेंड करूँ, अगर आपको बहुत अच्छे इनसे लाइफ लेनी है, अच्छा माइलेज लेना है, तो आप 70 और 80 के समबेर आप इस गाड़ी को रन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। देखो यार फ्यूल दे रखा है आपको, फ्यूल सिस्टम दे रखा है, गियर इंडिकेटर दे रखा है, टाइम दे रखा है, यहाँ पर आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आता है, ये इसके साथ में स्विचेस दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर पूरा रेंज देख सकते हो कितना चलेगी। अभी 32 का ये माइलेज दे रही है गाड़ी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और ये पूरा की पूरा उसका जो भी है इसके अंदर काफ़ी यार इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। आप ये देख सकते हो यार, मतलब पहली बार किसी 150 सेगमेंट में इतने अच्छे सारे फीचर्स जो हमें गाड़ी को देखने के लिए मिल रहे हैं वो नहीं मिलते थे यार। अभी देखो आप ये ट्रिप ए में पूरा सब कुछ आपको बता रही है, तो बहुत सही चीज़ है यार। सामने से मैंने डिपर भी मारा तो इंटेंसिटी लाइट किया, सो फार सो गुड। अभी हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम इसके बारे में बता पाएंगे कि भाई हमें कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसा अनुभव हुआ इस गाड़ी को चलाने के बाद। क्योंकि अभी देखो जैसे कि मैं चला रहा हूँ और ये अभी आपकी ओनली 4000 RPM की रेंज में है और 55 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रही है, वो गाड़ी चलाने में मेरे को कतई बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई नोकिंग है या कुछ है, और मैं इसको स्लो से स्लो ले जा सकता हूँ और बिल्कुल रिफाइनमेंट, जीरो वाइब्रेशन, मतलब कुछ वाइब्रेशन नाम पर आप बजाज ने सब कर दिया है ख़त्म, तो कोई टेंशन नहीं है भाई वाइब्रेशन की, तो किसी भी प्रकार की गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, एकदम मस्त चल रही है यार आप लोगों के लिए। भाई ये ब्लॉग इसीलिए लाया हूँ मैं, देखो डिटेल ब्लॉग होते हैं हमारे जो भी होते हैं, ये पल्सर N150 का हमारा डिटेल ब्लॉग है और हमारी मोस्ट ऑफ़ द टाइम कोशिश होती है कि भाई आपको जो भी चीज़ बताएँ ऑनेस्टली बताएँ, तो अच्छे से आप लोगों को पता लग पाए उन सब चीज़ों के बारे में। अभी जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा सही फील हो रहा है यार मेरे को, बहुत अच्छा फील हो रहा है, यकीन मानो आप मज़ा आ गया मतलब गाड़ी से। और वेदर भी भाई आज साथ दे रहा है बढ़िया, टाइम करते करते ब्लॉक को ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, क्लोज टू 6 PM, अब लगभग हमारे पास 30 मिनट और हैं उसके बाद इसकी लाइट वगैरह भी चेक हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा सही व्यू आ रहा है यार। और अभी मैं इसे को डालूंगा इनर रिंग रोड की तरफ एक्सप्रेस वे वाले, तो जिससे कि थोड़ा सा हमारी गाड़ियों का और ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा हमें, थोड़ा सा वार्म अप हो गई हैं गाड़ियाँ और काफ़ी यार मतलब जो फीलिंग है यार, मतलब मैं इतना ही बोलूँगा सो फार सो ग्रेट, जो उम्मीद थी पल्सर से, मतलब जो पल्सर हमारे पास में सीरीज आती है उससे वो हमारी फुलफिल होती है यहाँ पर, और डे बाई डे हमें हर चीज़ इंप्रूवमेंट के साथ मिल रही है। E20 कम्प्लाइन इसका इंजन है और E27 बहुत जल्द बजाज के साथ में आने वाला है, यानी कि अभी तो आप 10% इथेनॉल ले सकते थे, उससे भी ऊपर आप यानी कि समवेयर 15 और 20 के आसपास आप जा पाओगे, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है यार इसके साथ में। भाई लीन में भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही पास होती है जिस हिसाब से हम लोग चाहते थे, भाई उस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ये व्यू पॉइंट जो है हमारा बिल्कुल सेंटर व्यू पॉइंट है, हम यहाँ पर अच्छे से शूटिंग कर पाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता पाएंगे, तो आई थिंक ये पॉइंट है। और हैंडल मैंने छोड़ रखा है आप लोगों के सामने देखो, और ये काफ़ी सही व्यू पॉइंट है आई थिंक, व्यू आप एक बार देखो यार। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके अंदर के जो फीचर्स हैं मैं आपको समझाता हूँ, ये जो बटन है KTM के तरीके से दिया है ये वाला, एंड ये आपका हो गया हाई बीम, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी ये हाई बीम में ठीक है, तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ये लो बीम, दिस इज़ दी लो बीम एंड ये हाई बीम, पास आप यहाँ से कर सकते हो, ये हो गया हाई बीम, यहाँ पर ये इंटीग्रेट कर दिया है। नेविगेशन के लिए मोड बटन दिया है, M दे रखा है, बैकलिट डिस्प्ले के साथ है, इंडिकेटर्स क्वालिटी ग्रेट, हॉर्न सिंगल हॉर्न के साथ में आता है, बाकी NVH लेवल कोई वाइब्रेशन नहीं, देखिए आप मिरर पर भी देख सकते हो कोई वाइब्रेशन नहीं किसी प्रकार का, हर जगह से फिट एंड फिनिश, टॉप ऑफ द लाइन है। मेजर चीज़ों के बारे में आते हैं तो उससे पहले मैं अपना सेकेंडरी कैमरा ऑन करता हूँ, एक बार आप ये व्यू पॉइंट बताओ देख करके कैसा लग रहा है, और भाइयों से पूछते कैसा लगा भाई गाड़ी चलाकर, मज़ा आया ना।
ब्लॉग करते करते काफ़ी ज़्यादा इवनिंग हो गई अभी हम लोगों को, और मतलब मज़ा आया इन गाड़ियों के साथ में यार। यकीन नहीं था कि भाई इतनी अच्छी बजाज रिफाइनमेंट के साथ में ये गाड़ियाँ देगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला मेरे को, अच्छा फील हो रहा है। मतलब अब लगता है कि यार बजाज ने काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट कर ली है अपनी बाइकों के अंदर में। देखो अंधेरा हो चुका है काफ़ी, और इसकी अभी हम लोग हेडलाइट का इंटेंसिटी चेक कर लेंगे। और ये हैं गाड़ियाँ, तो आप एक बार देख लो भाई, कुछ बाइकें ऐसी सी दिख रही हैं यहाँ पर, और मैंने लाइनअप भी कुछ इस तरीके से लगाया था। हेडलाइट का थ्रो आप देखिए कितना ज़्यादा डिसेंट दिख रहा है, अलग ही यूनिक। अगर यही लाइट बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी तो इसका कुछ आपको ऐसा लगने लगेगा। देखिए ये इसका हाई बीम, ये इसका लो बीम, ठीक है। तो आप देख लो कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है बाइकें, लग रही हैं एकदम यूनिक। ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा है तो भाई इतना ही बोलूँगा, भाई शेयर कर देना कमेंट में। जय श्री राम। और बाइक चाहिए कुछ भी क्वारीज है, खिमका बजाज ही आना है आपको, याद रखना। डील क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भाई आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिलवाएगा, सब कुछ होगा। माइलेज वगैरह की मैंने सारी बात कर ली, बाकी कुछ बातें आप करते हैं शोरूम पर चलकर, थोड़ा सा गाड़ी को हल्का सा पुश करके देखते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ियों का परफॉर्मेंस करते हैं चेक। भाई पकड़ के बैठना ठीक है, भाई सही है, बढ़िया है। बाकी हेडलाइट इंटेंसिटी के लिए मैं यहाँ से गाड़ी को अच्छे से चेक करने के लिए लाया हूँ, एंड इसका एबीएस ऑन है तो मैं थोड़ा सा एबीएस के ऊपर भी करूँगा बातें, ब्रेकिंग वगैरह आपको चेक करा दूँगा। और अभी देखते हैं जो भाई ने बोला है स्पीड क्लेम के 100 प्लस जाती है, तो ऐसा कितना सही है ये भी पता लग जाएगा भाई। सस्पेंशन भाई ग्रेट, एक नंबर है भाई। फोर्थ गियर भाई, एंड अब लग चुका है इसका फिफ्थ गियर। तो सिद्धिश कि भाई क्या स्पीड ये पकड़ पा रही है, भाई पीछे वाला पिलियन भी बैठा विद पिलियन, ये देख लो आपकी 112 के आसपास है स्पीड, गुड स्पीड यार। मतलब फील है भाई गाड़ी के अंदर, एक बात तो मानना पड़ेगा फील है। वन ट्वेंटी तो ऑलमोस्ट ही हिट करेगी भाई आराम से। अब इसका करेंगे ब्रेकिंग टेस्ट जी। यस ब्रेकिंग भी बढ़िया है एकदम, एक नंबर है। तो एबीएस था तो आप लोगों ने फील किया क्या ब्रेक लग रहे थे यार। एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइस सही बोलूँगा इस गाड़ी के अंदर में, टॉर्क असिस्ट यार ये एक मेन फीचर है। फिफ्थ गियर है, 30 की स्पीड है, अप इनक्लाइन पर है गाड़ी बिल्कुल ही, मतलब जो टॉर्क है ना बहुत बढ़िया तरीके से आता है। देखो फिफ्थ गियर में गाड़ी, मैं जरा सा एक्सीलेटर घुमाऊंगा, इंस्टेंट इसने स्पीड बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए बिल्कुल कोई जर्क नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं कुछ। और अभी मैं एक्सीलेटर का तेज घुमाऊँगा तो ये स्पीड तेज भी पकड़ने लगेगी, ये देखिए आप। तो ये जो टॉर्क है अर्ली स्पीड के साथ में इसमें अरेंज किया गया है, वो जो टॉर्क आपको ऑलमोस्ट 2500 आरपीएम से आपको इक्वली बढ़िया तरीके से मिलने लगता है इस गाड़ी के अंदर में यार। खास ये बड़ी बाइक्स के अंदर में भी ऐसा ट्यूनअप आप लेके आए बजाज, मैं यही कहूँगा। और फीचर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और इसके अंदर में अगर एक एक करके फीचर्स की बात करें, ये आइडल का दे रखा है देखिए। तो अभी जो है आपका के एम पी एल पर लीटर ये रियल टाइम माइलेज बता रहा है 63 के आसपास अगर आप इस स्पीड पे चलते हो। जी हाँ ये 60 का माइलेज आपको आराम से देने वाली है। तो वही चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और खींचता हूँ पुश करता हूँ तो एक बार चेक करते हैं कि 70 की स्पीड में हमको ये क्या माइलेज देने वाली है। 70 पे अगर फिक्स चल रहे हैं, जी हाँ 41 के आसपास आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए 44 47। तो भाई मतलब माइलेज यार, माइलेज को लेके आप निराश नहीं होने वाले, उसको 50 ये आराम से आपको 45 प्लस देने वाली है। तो इसमें कहीं यार कोई झोल नहीं है, और सही बोल रहा हूँ यार, मेरा भी मन होता है कभी कभी यार ऐसी एक सिटी के लिए बाइक ले ली जाए कम्यूटिंग वाली बाइक, मेरी तरफ से तो भाई सही बोलूँगा ना पास है भाई गाड़ी, एक नंबर यार। गाइस मैं आपको इसकी नाइट में हेडलाइट की इंटेंसिटी दिखाऊँ तो आप सामने देख सकते हो बिल्कुल कितनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है भाई। ब्राइटनेस देखो इसकी है एक नंबर यार, मतलब हेडलाइट हो तो ऐसी हो यार, ब्राइटनेस देख रहे हो सामने, मतलब बिल्कुल क्वालिटी यार एक नंबर है भाई। अब आ जाते हैं गाइस इसकी पूरी ऑन रोड प्राइस पर, तो जो भाई ने प्राइस लगाई है भाई एक बार बताइए कैसे कैसे। इसमें जो एक्सो इसका अमाउंट रहता है वो 1,25,011 रुपये रहता है, और आरटीओ की कॉस्ट है वो 13,665 रुपये है। इंश्योरेंस जो है आपका 1,570 रुपये का है, एंड ऑन रोड जो प्राइस है इसका 1,50,500। अच्छा इसको अगर हम फाइनेंस कराएं तो ये लिखा हुआ है मिनिमम डाउन पेमेंट 20,000 है, और इंजन वारंटी जो है गाड़ी की अगर वारंटी कवर है 75,000 एंड 5 ईयर्स के लिए कवर है, ठीक है ना। इंजन की वारंटी है, हाँ 5 साल से
मतलब 75,000 रुपये दोनों में से किसी पे भी रह सकती है, और जो उसमें मिनिमम डाउन पेमेंट रहता है वो आपका 20,000 रुपये है। अच्छा 20,000 है। अच्छा कोई भी अगर क्वायरी चाहता है खिमका बजाज जा करके या आपसे, तो आप कोई कंपनी का आपका नंबर प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पर बोल करके, जिससे कि कस्टमर आपको डायरेक्टली कॉल कर ले। मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 7022। ठीक है, तो गाइज आप लोग भाई भी आपको क्वायरी चाहिए ना तो भाई से जा करके भाई बात कर लेना, और जितना हो सकेगा ये सेम भाई आपको हेल्प कर देंगे, मतलब चाहे गाड़ी के हो, परचेजिंग से रिलेटेड हो या टेस्ट राइड से रिलेटेड हो, कुछ भी हो भाई जा करके भाई आना है तो खिमका बजाज ही आना है। तो अगर अच्छा लगो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी का और भी किसी बाइक के बारे में जानना है तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं हमेशा यही कहूँगा भाई हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, और बाइक जब भी चलाते हो हेलमेट डाल के चलाओ। टिल देन राइट से, बाय 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 बाय, बी सेफ।